हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल। वंस अगेन माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हम लोग आज बना रहे हैं मालपुआ रेसिपी। सो गाइस, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। और मालपुआ सबको बहुत पसंद है, वो स्वीट डिशेस है। और प्लीज मेरे चैनल में यार, तुम लोग नए रहेंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। सो गाइस, मालपुआ बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आटा, मैदे का आटा है, वो सूजी है, थोड़ी हलद, खवा, नमक, सजाने के लिए थोड़ा मैंने बादाम लिया हुआ है, इलायची पाउडर, शक्कर, दूध, दूध गर्म है, हल्का सा ले सकते हो। सो गाइस, अभी मालपुआ बनाने के लिए अभी बैटर बनाना पड़ेगा। तो गाइस चलो, आप देख सकते हैं, आप पहले बैटर बना लेते। तो सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं आटा, डाल रहे हैं मैदे का आटा, एक आधा कप सूजी डाल रहे हैं। तो सूजी इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा क्रंची नहीं सोने के लिए, तो थोड़ा ऐसा हिला देते हैं उनको, जरा बैटर बनाने का इनको। उसमें हल्का सा हल्दी डाल रहे हैं हम लोग, और उसमें हम लोग खवा डाल रहे हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं नमक डाल रहा हूं और इलायची पाउडर थोड़ा डाल रहा हूं टेस्ट के लिए। सो गाइस, इसको थोड़ा हिला के लेने का हम लोग, थोड़ा बैटर को थोड़ा अच्छे से हिला के लेने का इनको। सो गाइस, बहुत आसान डिश है, आप घर पे बैठ के भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत स्वीट डिश बना रहा हूं। सो गाइस, इसमें अभी थोड़ा दूध लेना है। दूध थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, ज्यादा भी गर्म नहीं, थोड़ा हल्का दूध गर्म करके थोड़ा थोड़ा डाल के, आप ज्यादा नहीं, एक साथ नहीं डालने का, थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा उसको इस बैटर को हिलाने का है। ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से हिलाने का है। और थोड़ा दूध डालते हैं, एकदम जो डोसे का आटा कैसे होता है, थोड़ा क्रीम टाइप वैसे उसको बनाना है। इसमें थोड़ा हम लोग और थोड़ा दूध डाल रहे हैं, पूरा स्मूथनिंग आने तक थोड़ा हिलाते रहने का थोड़ा। गाइस देख सकते हैं आप, थोड़ा और थोड़ा हिलाते हैं आप लोग। थोड़ा गाइस तुम लोग देख सकते हैं, अभी देखो अच्छे से हो गया अभी। तो अभी ये 10 मिनट्स तक हम लोग ऐसे ही रखते हैं, 10 मिनट्स तक ढक के रखते हैं। अभी गाइस इसके बाद हम लोग छाछनी बनाने वाले, तो तब तक अपन छाछनी बना के लेते हैं। ओके, तो चलो चलो दोस्तों, हम लोग अभी छाछनी बनाने वाले। तो सबसे पहले अपन गैस ऑन करते हैं। तो गैस हम लोग ऑन किया है, अभी उसके बाद हम लोग शक्कर डालेंगे, एक कप शक्कर लेने का, और उतना ही पानी उसमें मिक्स करना है। शक्कर ले उतना ही हम लोग पानी मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा गैस को हल्का सा बढ़ाइए,
और थोड़ा हल्के से हाथ से उसे मिलाइए थोड़ी। सो गाइस, इसमें हम लोग थोड़ा सा इलायची पेस्ट डाल रहे हैं ताकि थोड़ा टेस्ट आने के लिए, थोड़ा हल्का से नहीं रहे। तो गाइस, ये चाशनी थोड़ा चिपचिपा से बनाने का है ताकि वो एकदम लगना चाहिए, थोड़ा स्वीट डिश है ना बहुत। तो 5 मिनट तक आपको ऐसे ही करते रहने का है। सो गाइस, देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट हो गया, तो चिपचिपा लग रहे हो, चिपका चिपचिपका। सो गाइस, अभी हम लोग गैस बंद कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग ऐसे ही रखे ताकि वो ठंडा होने के बाद वो चिपचिपा ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो गाइस, देख सकते हैं अभी ऑयल गरम करने के लिए रखा था, 5 मिनट ऑयल गरम हो गया ऑलमोस्ट। सो गाइस, बैटर आप देख सकते हैं पूरा फूल गया है अच्छे से 10 मिनट रखने के बाद। अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा ऊपर से इस पे छोड़ने गए। सो गाइस, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हो गए। अभी हम लोग उसको मीठापन लाने के लिए चाशनी को डिप करने वाले हैं इसको, ठीक है। सो गाइस, अभी उसको एक एक करके उसको अपन चाशनी में डिप करेंगे ताकि उसको मीठा बनाने के लिए। उसको थोड़ा पलटी भी मार सकते हैं।
इसको अभी निकाल रहे हम लोग. सेकेंड थिंग्स भी ऐसी सब कुछ करना है. तो जहां तक ये ऑलमोस्ट हो ही गए हैं मालपुआ, वो स्वीट डिश है. सकते आप हो गया अपना मालपुआ रेसिपी. तो ये हो गया मालपाव. तो इसमें थोड़ा अभी थोड़ा सजाएंगे. तो हम लोग स्टार्टिंग में जो बादाम लिया था थोड़ा इसके ऊपर डाल रहे. सो ये हो गया डिश रेडी. सो गाइस ये हो गया मालपाव रेसिपी. बहुत स्वीट रेसिपी है, बहुत इजी है. सो गाइस तुम लोग ने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब लोग का. और थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.